दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मिली हार के बाद गुस्से से आग बबूला होकर रोहित शर्मा ने लिया हैरान कर देने वाला डिसीजन। तो आखिर रोहित शर्मा ने ऐसा कौन सा डिसीजन लेकर पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया? क्या अब दोबारा मैदान पर खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे रोहित शर्मा? क्या टीम इंडिया की कप्तानी से हटे रोहित? कौन होगा टीम इंडिया का अगला कप्तान? आखिर रोहित ने अपनी नम आंखों से बयान देकर कौन सा बड़ा डिसीजन लिया? ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में कौन है बेहतरीन खिलाड़ी? आपको क्या लगता है, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मुकाबला सेंचुरियन के मैदान पर खेला गया। इस मैच में पहले भारतीय बल्लेबाजों को बैटिंग करने का मौका मिला। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 245 रनों के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। भारत की तरफ से केएल राहुल ने इस इनिंग में 101 रनों की पारी खेली। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। डीन एल्गर ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हुए अकेले 185 रन ठोक दिए। वहीं मार्को जेंसन ने 84 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया के लक्ष्य को बड़े ही आसानी से हासिल करते हुए 163 रनों की भारत के ऊपर लीड भी दे दी। इस इनिंग में भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने अफ्रीका के एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अफ्रीका के द्वारा दिए गए 163 रनों के लीड का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत एक बार फिर दूसरे इनिंग में बेहद खराब रही। यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की जोड़ी दूसरे इनिंग में भी पूरी तरह से फ्लॉप रही। विराट कोहली के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सका। इस पारी में विराट कोहली ने 76 रन बनाए, जबकि कोहली के बाद सबसे अधिक रन शुभमन गिल ने 26 रन जोड़े। भारत की तरफ से भारतीय टीम पूरे के पूरे 34.1 ओवर तक टिक पाई और 131 रनों पर ऑल आउट हो गई। और साउथ अफ्रीका की टीम इस मैच को 32 रन और एक पारी से जीत कर इस मैच को अपने नाम कर लिया और पहले टेस्ट मैच में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया की शर्मनाक हार के बाद रोहित की आंखें नम हो गई, उनकी आंखों से आंसू आ गए। जहां एक तरफ अफ्रीकी खिलाड़ी मैदान पर जश्न मना रहे थे, तो वहीं पे दूसरी तरफ रोहित शर्मा बेहद ही निराश थे, जिसके बाद उन्होंने अचानक हैरान कर देने वाला एक सबसे बड़ा फैसला ले लिया और बयान भी दिया। चलिए हम आपको उनके बयान को सुनाते हैं कि आखिरकार क्या कुछ उन्होंने अपने एक फैसले से पूरे क्रिकेट जगत को चौंका कर रख दिया। रोहित शर्मा ने भारत की हार पर हैरान कर देने वाला फैसला लेकर बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी टीम की हार से बेहद निराश हूं। मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारी टीम साउथ अफ्रीका की धरती पर इतना खराब प्रदर्शन करेगी। मैं किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकता। मेरा भी बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा। मेरा प्रदर्शन खुद बेहद खराब रहा था। मैं अपने आप से भी काफी ज्यादा दुखी हूँ। मुझे नहीं पता था कि मेरा खेल पर किसकी नजर लगी हुई है, लेकिन मैं दूसरे टेस्ट मैच में बेहतर प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि मैं कभी भी बहुत बड़ा फैसला ले सकता हूं, जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं होगी। रोहित ने आगे बयान देते हुए कहा कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। मैं संन्यास लेने का फैसला अचानक कर सकता हूँ। मैं इस हार से कैसे उबर पाऊंगा, मुझे खुद उम्मीद नहीं है। हमारी कप्तानी में टीम इंडिया लगातार मैच हार रही है। पहले हमने वनडे विश्व कप का फाइनल गंवाया और अब अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में बहुत चिंता में हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या किया जाए। तो दोस्तों, रोहित शर्मा के बयान से तो यही लग रहा है कि वो जल्द से जल्द संन्यास का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से मानसिक रूप से सही नहीं है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के बाद आया विराट कोहली का बड़ा तूफान। जी हाँ दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी कर साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया। तो वहीं पे विराट कोहली ने अपने बल्ले से आग उगलते हुए भारतीय टीम को तीसरे ही दिन जीत के करीब ले जाने का काम किया। तो आखिरकार कैसे जसप्रीत बुमराह के बाद विराट कोहली ने अपने प्रदर्शन के दम पर भारतीय टीम की जीत तीसरे ही दिन कंफर्म कर दी, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, विराट कोहली और केएल राहुल में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क क्रिकेट स्टेडियम पर अपना पहला टेस्ट मैच खेल रही है, जहां भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आई। इस मैदान में भारतीय टीम ने पहली पारी के अंदर 67.4 ओवर में 245 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। जहां केएल राहुल ने 101 रन बनाए, तो वहीं पर रबाडा ने 5 विकेट लिए। हालांकि अफ्रीका की टीम जब मैदान पर आई
तो इन्होंने दूसरे दिन की समाप्ति तक 66 ओवर में 256 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए। इस दौरान डीन एल्गर ने 140 रन बनाए और नाबाद रहे, तो वहीं पे मार्को जेंसन 3 रन बनाकर खड़े थे। हालांकि जब तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो दोनों ने जसप्रीत बुमराह के सामने पहले ओवर में अपना खाता तीसरे दिन के रूप में खोला। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। इस बीच 75वें ओवर में डीन एल्गर ने अपना 150 रन का आंकड़ा पार किया। वहीं 79वें ओवर में दोनों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई और अफ्रीका 300 के पार पहुंच गया। इस दौरान 81वें ओवर में नई गेंद ली गई, तो वहीं पे 88वें ओवर में मार्को जेंसन ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पे 95वें ओवर में 111 रन की साझेदारी को शार्दुल ठाकुर ने तोड़ दिया, जहां पर उन्होंने बल्लेबाज डीन एल्गर को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों दस्ताने से हल्का सा किनारा लगने के कारण कैच आउट कराया। इस बीच डीन एल्गर ने 287 गेंदों पर 28 चौके की मदद से 185 रन बनाए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए गेराल्ड गोइट्ज़ी आए। तूफानी बल्लेबाजी करने के बाद 100 ओवर में ही रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मोहम्मद सिराज के हाथों 18 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर कैच आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने रबाडा आए, जहां पहले सत्र की समाप्ति तक अफ्रीका ने 392 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाए। तो वहीं पे जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो जसप्रीत बुमराह ने रबाडा को 9 गेंदों पर 1 रन बनाने के बाद अपनी रफ्तार से क्लीन बोल्ड कर दिया। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए बर्गर आए, जो 20 गेंद पर अपना बिना खाता खोले 109वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे मार्को जेंसन 147 गेंदों पर 11 चौके और 1 छक्के की मदद से 84 रन बनाकर नाबाद रहे। इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए, तो वहीं मोहम्मद सिराज ने 2 विकेट लिए और इसके अलावा शार्दुल ठाकुर और रविचंद्रन अश्विन और प्रसिद्ध कृष्णा को 1-1 विकेट मिले और साउथ अफ्रीका की टीम 163 रन की बढ़त हासिल करने के साथ 108.4 ओवर में 408 रन 9 विकेट के नुकसान के साथ ऑल आउट हो गई, क्योंकि कप्तान तेंबा बाउमा चोट के कारण बल्लेबाजी करने नहीं आए। हालांकि बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय टीम दूसरी पारी में मैदान पर उतरी, जहां भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल आए, जहां यशस्वी जायसवाल को पहली ही गेंद पर मार्करम ने स्लिप में खड़े होकर जीवन दान दिया। हालांकि पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रबाडा आए और रबाडा ने मात्र 1 रन दिया, जिसके चलते यशस्वी जायसवाल ने अपना और अपनी टीम का खाता खोला। हालांकि रोहित शर्मा बेहतर बल्लेबाजी करने के प्रयास में कर रहे थे लगातार कोशिश, लेकिन तीसरे ओवर में 5 रन के स्कोर पर रबाडा ने भारत को आखिरकार पहला झटका दे दिया। इस दौरान उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा को 8 गेंद पर बिना खाता खोले ऑफ स्टंप पर गेंद डाली और गेंद के साथ ही क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल आए। तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को बर्गर ने 6वें ओवर में विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल गेंद को छोड़ने के चक्कर में हल्का सा एज लगने के कारण विकेट कीपर के हाथों में कैच दे बैठे। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने 18 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 5 रन का योगदान दिया, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली मैदान पर आए, जिन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया। तो वहीं पर शुभमन गिल भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में लंबी गेंद पर 14वें ओवर में मार्को जेंसन की गेंद पर 37 गेंदों में 6 चौके की मदद से 26 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हुए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए। हालांकि दूसरे सत्र की समाप्ति तक 16 ओवर में 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए और जब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो 18वें ओवर में मार्को जेंसन ने अपनी शानदार गेंदबाजी से टीम को बड़ी सफलता दिलाई और जहां पर उन्होंने बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को एंगल के साथ गेंदबाजी करते हुए 12 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। और अब बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान पर आए। हालांकि आपको बता दें कि 72 रन पर 3 विकेट गिर जाने के बाद केएल राहुल और विराट कोहली ने मिलकर टीम को संभाला और जहां पर विराट कोहली ने 19वें ओवर में छक्का लगाकर साउथ अफ्रीका की टीम को हैरान कर दिया, तो वहीं पे भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे केएल राहुल ने अपना खाता भी शानदार चौके के साथ खोला और विराट कोहली के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया। इस बीच विराट कोहली काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और काफी तेजी से रन बना रहे थे। हालांकि 26वें ओवर में बर्गर ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल को 24 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 4 रन बनाने के बाद बाहर जाती हुई गेंद को खेलते हुए स्लिप में मौजूद एडम मार्करम के हाथों अपना कैच दे दिया, जिसके बाद बैटिंग करने के लिए रविचंद्रन अश्विन आए, जो कि पहली ही गेंद पर गोल्डन डक के रूप में गली में मौजूद बेडिंगहम के हाथों कैच दे बैठे। और अब बल्लेबाजी करने के लिए शार्दुल ठाकुर मैदान पर आए, तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे विराट कोहली ने 28वें ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसी के साथ ही 28वें ओवर की समाप्ति तक भारत ने 104 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना लिए। और जैसी बल्लेबाजी चल रही है उसे देखकर लग रहा है कि
भारतीय टीम आज 180 रन तक बना पाएगी, वो भी 7 विकेट के नुकसान पर। वैसे आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम कितने रन पर ऑल आउट हो जाएगी? अपनी राय नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।